हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा 2colour डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन के लिए, स्वेटर के लिए, जैकेट के लिए, स्कार्फ के लिए, शॉल के लिए, मफलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को जेंट्स स्वेटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बेबी स्वेटर और ब्लैंकेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन की रॉन्ग साइड देख लेते हैं। रॉन्ग साइड से डिज़ाइन देखिए इस तरीके का दिखाई देता है। रॉन्ग साइड से डिज़ाइन पूरा उल्टा ही बिना जाता है। ये डिज़ाइन राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बिनेगा, तो जब बिनेगा उल्टा तो इस तरीके का दिखाई देगा रॉन्ग साइड से। इस डिज़ाइन में 6 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं और एक फंदा लेने से ये डिज़ाइन सेट हो जाता है। 12 रो का डिज़ाइन है, खूबसूरत डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से डिज़ाइन को बनाना। यहाँ पर मैंने 19 फंदे लिए हैं, 6 के मल्टीपल में मैंने 18 स्टिच लिए हैं, उसके बाद 1 स्टिच ऐड कर दिया है तो 19 स्टिच हो गए, 19 फंदे हो गए। फर्स्ट रो बिनेंगे, राइट साइड का रो बिनेंगे, पूरा ही रो हमको सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। यानी कि जब आप बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर बनाने के बाद आपको फर्स्ट रो राइट साइड से सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हम फर्स्ट रो बिन रहे हैं, राइट साइड का बिन रहे हैं और पूरी ही रो को हमें सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट रो राइट साइड का कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड की रो पर आ गए हैं। रॉन्ग साइड हमारा सेकेंड रो आएगी, तो इस रो को हमें पूरा ही उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। राइट साइड से फर्स्ट रो सीधा और रॉन्ग साइड से सेकंड रो उल्टा बिनकर कंप्लीट करना है। इस तरीके से देखिए कंप्लीट कर लेते हैं। रो सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है उल्टा बिनकर। अब हम रो थर्ड पर हैं, राइट साइड का रो आएगा और इस पूरे ही रो को हमको फिर से सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हम सीधा उल्टा ही बिन रहे हैं, राइट साइड से थर्ड रो को बिन रहे हैं और ये रो हमको सीधा बिन लेना है, पूरा ही पूरा रो देखिए इस तरीके का। तो कंप्लीट कर लेते हैं, रो थर्ड कंप्लीट कर लिया है, रो फोर आ गया है हमारा, रॉन्ग साइड का रो आ गया है। इस रो को पूरा ही हम उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो रो फोर तक जो हमने बिना है, फर्स्ट से फोर तक, उसमें हमको सिर्फ सीधा हो और उल्टा ही बिन लेना है। राइट साइड से सीधा बिन लेना है और रॉन्ग साइड से आप उसको उल्टा बिन कर कंप्लीट करेंगे। तो रो फोर हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने रो फोर तक कंप्लीट कर लिया है। तो जब आप रो फोर तक कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरीके का सीधा उल्टा बनकर आ जाएगा। अब हम रो फिफ्थ पर हैं, रो फिफ्थ पर हमको कलर को चेंज करना है। तो पहला फंदा तो हमें सीधा बिन लेना है। सीधा फंदा बिनने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है। पांच फंदे हैं ये हमारे, देखिए 1 2 3 4 5 पांच फंदे हैं, दो फंदे ये और दो फंदे ये। बीच का फंदा हमारा ये आ गया है, सेंटर वाला फंदा। इसके देखिए हमारे पास तीन फंदे बने हैं, 1 2 और 3। तो अब हमें कैसे बिनना है देखिए। पहले हम जो पहला फंदा है हमारा, यहाँ जो फर्स्ट स्टिच है फर्स्ट रो का, उसमें से हम एक लंबा फंदा निकालेंगे इस तरीके से। फिर हम पांच फंदों में से पहला फंदा बिनेंगे, पहला फंदा बिना। अब हम सेकंड फंदे में से जो हमारा बीच का है, देखिए तीन फंदे थे, ये हमारा सेकंड फंदा आएगा। तो सेकंड फंदे में से हम एक लंबा फंदा फिर से निकालेंगे इस तरीके से। फिर हम अपना सेकंड फंदा बिनेंगे, यानी कि दूसरा फंदा बिनेंगे। अब देखिए दो फंदे हमने बिन लिए, अब ये हमारा सेंटर का फंदा है और पहला फंदा है। तो पहले फंदे में से हम इस तरीके से एक फंदा निकालेंगे और पहले फंदे को फिर हम सीधा बिन लेंगे। तो तीन फंदों में से हमने तीन फंदे निकाले और तीन फंदे सीधे बिने, देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये दो फंदे हमें कैसे बिनना है। पहले हम ये फंदा बिनेंगे, चौथा फंदा बिनेंगे, फिर दूसरा जो फंदा है हमारा, देखिए ये बीच वाला फंदा, ये दूसरा, इसमें से हम एक लंबा फंदा निकालेंगे इस तरीके से। फंदों को बराबर ही रखेंगे दोनों साइड पर। फिर हम पांचवा फंदा बिनेंगे, फिफ्थ स्टिच अपना बिनेंगे सीधा, और जो हमारा ये लास्ट स्टिच है फोर्थ, इसमें से हम एक लंबा फंदा निकालेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से निकाल लेना है। इस दो हमारे जो फंदे हम निकाल रहे हैं वो सारे फंदे हमें बराबर रखने हैं। तो पाँच फंदों पर हमने पाँच फंदे निकाल लिए। अब ये हमारा सेंटर का फंदा रहेगा, इसको हमें सीधा ही बिन देना है। फिर से हम पांच फंदे लेंगे, देखिए 2 4 2 4 और 1 5। और ये हमारे तीन फंदे बनकर आए बीच में। जो ये पहला फंदा है, इस फंदे में से हम एक लंबा फंदा निकालेंगे इस तरीके से। एक लंबा फंदा निकाला, अब हम पांच फंदों में से पहला फंदा बिनेंगे सीधा
फिर ये दूसरा फंदा है हमारा, इस दूसरे फंदे में से हमने एक लंबा फंदा निकालना है इस तरीके से, फिर हम दूसरा फंदा बिनेंगे, और फिर ये हमारा देखिए सेंटर का जो फंदा है, इसमें से जो पहला फंदा है इसमें से हम एक फंदा निकालेंगे, और जो हमारा सेंटर का फंदा है इसे हम बिन देंगे, ये हमारा तीसरा फंदा हुआ। अब देखिए चौथा और पांचवा, तो पहले हम चौथा फंदा बिनेंगे, उसके बाद जो हमारा दूसरा फंदा है, देखिए जो बीच वाला फंदा है हमारा ये वाला, इसमें से हम एक लंबा फंदा निकालेंगे इस तरीके से, फंदों को बराबर कर लेंगे, बराबर ज़रूर कीजिए। फिर हम पांचवा फंदा बिनेंगे अपना, और पांचवा फंदा बिनने के बाद जो हमारा ये चौथा फंदा है, देखिए ये पहला फंदा है ये, और चौथा फंदा ऊपर से नीचे की तरफ चौथा फंदा, और नीचे से पहला फंदा, इसमें से हम एक लंबा फंदा निकाल लेंगे इस तरीके से। पांच फंदों में से पांच फंदे बनाए हमने। अब देखिए ये वाला सेंटर का फंदा हमारा सीधा ही बिना जाएगा, इसके बाद फिर से हमारे पास ये पांच फंदे बचेंगे। इन पांच फंदों में से हमें देखिए दो दो ये फंदे और ये सेंटर का, सेंटर का जो सबसे पहला नीचे वाला फंदा है इसमें से हम एक लंबा फंदा निकालेंगे, फिर हम पांच फंदों में से पहला फंदा जो है उसे सीधा बिनेंगे, फिर दूसरा फंदा देखिए जो हमारा बीच का फंदा आएगा इसमें से हम एक फंदा निकालेंगे, फिर दूसरा फंदा हम सीधा बिनेंगे, फिर ये देखिए पहला फंदा है, पहले फंदे में से हम पहला फंदा तीसरा फंदा निकालेंगे, यानी कि जो सेंटर का फंदा है वो निकाल लेंगे, सेंटर के फंदे को हम सीधा ही बिन लेंगे, यानी कि हमारा तीसरा फंदा है। फिर देखिए चौथा और पांचवा फंदा, तो पहले हम चौथा फंदा बिनेंगे, उसके बाद जो हमारा दूसरा फंदा है जिसमें से हमने लंबा फंदा निकाला था दूसरे फंदे में से, इसमें से हम एक लंबा फंदा निकालेंगे, फिर इसके बाद हम अपना पांचवा फंदा बिनेंगे, फिफ्थ स्टिच हम बिनेंगे ये वाला, और इसके बाद हमारा जो ये देखिए ये लास्ट का जो फंदा है जिसमें से हमने पहला फंदा निकाला था लंबा, उसी में से हम सेम लूप में से हम एक लंबा फंदा निकालेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर हमने फंदा निकाल लिया, फंदों को बराबर ही निकालना है, और लास्ट के फंदे को हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो रो फिफ्थ हमारी कंप्लीट हो गई। रो सिक्स देखिए हमें कैसे बिनना है, ध्यान से देखिए थोड़ा। तो पहले फंदे को तो हमें उल्टा ही बिन लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे दो फंदे होंगे, एक हमारा लंबा फंदा जो हमने निकाला था, और एक हमारा पाँच फंदों में से पहला फंदा। तो ये देखिए ये वाले दो फंदे हैं, इन दो फंदों को तो हम उल्टा ही बिनेंगे, दो फंदों को एक साथ बिन देंगे, तो एक फंदा हो गया। फिर ये हमारा एक लंबा फंदा देखिए ये वाला, और एक हमारा पांच फंदों में से एक फंदा। तो ये देखिए दो फंदे हैं हमारे, ये देखिए दो फंदे हैं, इन दो फंदों को हम फिर से एक साथ बिनेंगे, यानी कि दो फंदों का एक फंदा बना देंगे इस तरीके से। अब देखिए सेंटर के फंदों को हमें कैसे बिनना है, हमें दूसरी सिलाई से इस तरीके से फंदों को पलटना है, और फिर उसी सिलाई पर चढ़ा लेना है जिसपे ये फंदा था। अब इन दोनों ही फंदों को एक साथ बिन देना है, दो फंदों का एक फंदा बना लेना है। फिर से देखेंगे एक बार कैसे पलटेंगे हम इन फंदों को। देखिए ये फंदे हैं हमारे, इनको हम इस तरीके से देखिए नहीं बिनेंगे, जैसा हम बिन रहे हैं इस तरीके से नहीं बिनेंगे, तो हमारे फंदे गड़बड़ हो जाएंगे। हमें देखिए पहले इसे इस तरीके से दूसरी सिलाई पर ले लेना है, फिर उसी सिलाई पर ले लेना है जिस सिलाई पर ये फंदे थे, तो देखिए सीधे फंदे हो गए। फिर हम इन्हें दोनों फंदों को एक साथ बिन के दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर हम वही करेंगे, दो फंदों को इस तरीके से पलटेंगे, सीधा फंदा हमारा बन गया है। अगर आपका फंदा सीधा नहीं आ रहा तो आप उसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से सिलाई से, और फिर हम दो फंदों को एक साथ बिनेंगे, यानी कि दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो पांच फंदों के हमारे वापस से पांच फंदे हो गए। सेंटर के फंदे ये जो है हमारा ये उल्टा ही बिना जाएगा। फिर उसके बाद दो फंदों को हम देखिए एक लंबा फंदा और एक जो हमारे फंदों में से एक फंदा है पांच फंदों में से, तो उन दोनों ही फंदों को हमें एक साथ बिन देना है, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर एक लंबा फंदा और हमारा चौथा फंदा, तो इन दोनों फंदों को भी हमें एक साथ ही बिनना है, दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अब देखिए बीच वाले फंदे को हमें घुमाते हुए बिनना है, इसको सीधा ज़रूर कीजिए वरना आपका डिज़ाइन बीच में से गड़बड़ जाएगा। तो हम पहले दूसरी सिलाई पर लेंगे, फिर घुमाते हुए उसे उसी सिलाई पर ले लेंगे जिस सिलाई पर वो था, फिर उल्टा बिन देंगे, दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर देखिए हम इसे कैसे घुमाएंगे, इस तरीके से हम दूसरी सिलाई पे लेंगे, फिर इस तरीके से उसी सिलाई पे ले लेंगे जिस पे था, सीधा हो गया फंदा। दो फंदों को हम एक साथ बिन देंगे, दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर इस तरीके से हम पलटते हुए दोनों फंदों को एक साथ बिन देंगे। देखिए अगर आपका फंदा सीधा नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी सीधा कर सकते हैं। तो दो फंदों का हम फिर से एक फंदा बना देंगे। बीच वाला फंदा जो है ये हमारा उल्टा ही बिना जाएगा। ये वाले दो फंदे आ गए, एक लंबा फंदा, एक पांच फंदों में से एक फंदा, तो दो फंदों को एक साथ बिनेंगे। फिर एक लंबा फंदा और चौथा फंदा, फिर दो फंदों को एक साथ बिनेंगे। सेंटर के फंदे को हम इस तरीके से घुमा देंगे,
और फिर हम इसे दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर दोनों फंदों को हम इस तरीके से पलट कर सीधा करेंगे पहले, और फिर दोनों फंदों को एक साथ बिन देंगे, दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर पांचवें फंदे को भी हम पलट के सीधा करेंगे और दोनों ही फंदों को हम एक साथ बिन देंगे, तो दो फंदों का एक फंदा बना देना है यहाँ पर हमको। लास्ट के फंदे को हम उल्टा बिनते हुए रो को कम्प्लीट करेंगे। अब हम रो 7 पर आ गए हैं। रो 7 हमारी राइट साइड की तरफ आएगी, कलर को चेंज करेंगे। कलर चेंज करते हुए हम पूरी ही रो को सीधा बिन लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 4 रो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सिंपल ही बिननी है। रो 7 हमको सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है, रो 8 हमको उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है, रो 9 हमको सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है, और रो 10 हमको उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो 4 रो तक हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से सीधा बिन लेंगे, रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लेंगे, सीधा उल्टा बिनते हुए हमें 4 रो कंप्लीट कर लेना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 4 रो कंप्लीट कर लिए, राइट साइड से सीधा बिना है और रॉन्ग साइड से उल्टा बिना है। अब हम रो 11 पर आएंगे, फिर से हम कलर को चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम 4 फंदे पहले सीधे बिनेंगे, 1, 2, 3 और 4। 4 फंदे सीधे बिने, देखिए उसके बाद देखिए ये वाला फंदा हमारा सेंटर का आएगा। आपकी बार जो हम बीच में एक फंदा बिन रहे थे वो फंदा अब हमारा सेंटर में आएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम इस फंदे से, देखिए ये सेंटर का फंदा है, 5 फंदों के बीच वाला फंदा है। तो ये देखिए हम 3 फंदे नीचे उतरेंगे और जो तीसरा फंदा है, मतलब नीचे से जो पहला फंदा है और ऊपर से तीसरा फंदा आएगा, उसमें से हम एक लंबा फंदा निकालेंगे। फिर हम 5 फंदों में से एक पहला फंदा बिनेंगे। फिर दूसरे फंदे में से देखिए हम एक लंबा फंदा निकालेंगे और जो हमारा दूसरा फंदा है उसे हम सीधा बिनेंगे। फिर हमारा बीच का फंदा आएगा, तीसरा फंदा, इसमें से हम एक फंदा निकालेंगे और जो तीसरा हमारा सेंटर का फंदा आएगा उसको हम फिर से सीधा ही बिन देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 फंदे बचे, तो पहले हम चौथा फंदा बिनेंगे, उसके बाद जो हमारा दूसरा फंदा बीच का फंदा था ये वाला, इसमें से हम एक लंबा फंदा निकालेंगे। यहाँ पर आप ध्यान ज़रूर रखिएगा वरना ऊपर नीचे फंदे हो जाते हैं। फिर देखिए हम 5वां फंदा बिनेंगे और जो हमारा पहला फंदा था यानी कि तीसरे फंदे में से हमने एक लंबा फंदा निकाला था, उसी में से हम एक और लंबा फंदा निकालेंगे। सेम लूप से ही हमें दोनों तरफ फंदे निकालने हैं, इसका भी ख्याल रखना है आपको। ये देखिए अब हमारा ये फंदा सेंटर का आ जाएगा, इसे हम सीधा ही बिन देंगे। फिर 5 फंदे हम लेंगे, देखिए 2, 3 और 2, 5। तो 2 फंदे छोड़कर जो तीसरा फंदे का है उसका पहला फंदा हम नीचे से गिनेंगे, तो पहला फंदा आएगा, ऊपर से गिनेंगे तीसरा फंदा आएगा, इस लंबा फंदा निकालेंगे, फिर पहला फंदा बिनेंगे, फिर दूसरे फंदे में से एक लंबा फंदा निकालेंगे, फिर दूसरा फंदा बिनेंगे, फिर तीसरे फंदे में का जो देखिए पहला फंदा आ जाएगा इसमें से एक लंबा फंदा निकालेंगे और जो सेंटर का फंदा है उसे हम सीधा ही बिन लेंगे। फिर हम फंदा बिनेंगे चौथा और जो दूसरे फंदे में से हमने लंबा फंदा निकाला था उसमें से हम एक लंबा फंदा निकालेंगे। फंदों को बराबर ज़रूर कीजिए, फंदों को बराबर ही रखिए, आपका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत आएगा। फंदा 5वां हम सीधा बिनेंगे, फिर हमारा जो जिसमें से हमने पहला लंबा फंदा निकाला था उसी सेम लूप में से हम एक और लंबा फंदा निकालेंगे। लास्ट के हमारे फंदे 4 सीधे बचेंगे और इसको हम सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो 4 फंदे हमारे सीधे ही जाएंगे लास्ट के। रो हमारी कंप्लीट हो गई, रो 12 आ गई है, सेम बिनी जाएगी रो 6 की तरह ही। तो पहले हम 4 फंदों को उल्टा बिनेंगे, 1, 2, 3 और 4। 4 फंदे हमने उल्टे बिने। अब देखिए एक लंबा फंदा और एक 5 फंदों में का पहला फंदा, तो इन दो फंदों को हमें एक साथ बिनना है, यानी कि 2 फंदों को एक साथ बिन के 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक लंबा फंदा और एक चौथा फंदा, इन दोनों ही फंदों को एक साथ बिन के 2 फंदों का एक फंदा। अब देखिए सेंटर के फंदे हैं, इनको हम इस तरीके से पलटेंगे और पलट के सीधा करते हुए 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर 2 फंदों को हम इस तरीके से पलटते हुए सीधा करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर जो 5वां फंदा है इसको भी हम पलट के सीधा करेंगे और सीधा इस तरीके से करके 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। तो 5 फंदों के हमारे वापस से 5 फंदे बन गए हैं। ये सेंटर का फंदा रहेगा, इसको आप उल्टा ही बिनेंगे। फिर देखिए 2 फंदे आएंगे आपके, एक लंबा फंदा और एक 5वां फंदा, तो 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर एक लंबा फंदा और चौथा फंदा, दोनों फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा। फिर जो बीच का फंदा तीसरा रहेगा उसको आपको पलट के सीधा करना है पहले दोनों फंदों को, फिर उल्टा ही बिन देना है। फिर दूसरे फंदे को भी आप पलट के सीधा करेंगे, फिर उल्टा बिन देंगे, फिर पहले फंदे को भी आप पलट के सीधा करेंगे और उल्टा बिन देंगे, 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो रो बिल्कुल आपको 6 रो की तरह ही रिपीट करना है, बस आपको
फंदों का ख्याल रखना है। लास्ट के चार फंदे हमारे उल्टे भी नहीं जाएंगे और यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बनकर आएगा, बहुत ही इजी, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। बिगनर हैं तब भी आपके लिए बहुत खूबसूरत है, नीटिंग करते हैं तब भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। 12 रो फिर से रिपीट करेंगे, तो जब आप इसे कंटिन्यू 12 रो रिपीट करते रहेंगे तो आपका डिज़ाइन इस तरीके से खूबसूरत सा बन के तैयार होगा। आप इसे सभी तरीके के वूलन प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं, सभी एज ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत बनकर आया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।